everyone, my name is Preeti and welcome or welcome back to my channel and how are you guys doing? So, जैसे कि हम सभी जानते हैं वैलेंटाइंस डे आने वाला है सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो मेकअप लुक्स. सो आई एम श्योर अभी तक आपने काफी सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे होंगे बट मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होगा जो आप इजिली अचीव कर पाए. सो फर्स्ट वाला जो लुक है वो हम बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएट करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग एंड नेचुरल लुक मिलेगा. एंड जो सेकेंड वाला लुक होगा वो उन लोगों के लिए है जिनको ज्यादा मेकअप करना पसंद है या यू नो जो लोग ज्यादा मेकअप कैरी कर सकते हैं. So, दोनों भी मेकअप लुक बहुत ही ज्यादा इजी टू क्रिएट है एंड जस्ट इन 5 to 10 मिनट्स यू कैन क्रिएट इट. सो यस, नाउ टू नो मोर अबाउट इट प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन एंड डू शेयर माई वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो यस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होगी, मैं आज आपके साथ प्रोडक्ट्स शेयर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी चीज अप्लाई कर रही हूँ सो दैट यू नो हर कोई आप में से ये लुक इजीली कैरी कर सके. एंड ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है या मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है इसलिए मेरा ऐसा लुक नहीं बनेगा या समथिंग लाइक दैट. एंड यस, बिफोर डूइंग एनी मेकअप लुक आप अच्छे से स्किन केयर फॉलो कीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो मिलेगा एंड आपका मेकअप डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग होगा. सो प्राइमर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए एंड उसको हम अप्लाई करेंगे ऐसे टी जोन एरिया पे. प्राइमर हमारे पोर्स पे काम करता है एंड इससे हमें बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग लुक मिलता है. सो यस, डू नॉट स्किप प्राइमर. अगर आपके पास प्राइमर नहीं है सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल भी इक्वली वर्क करता है. अप्लाई करेंगे फाउंडेशन. अभी आप इसमें कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो भी आपके पास अवेलेबल है. मैं यूज कर रही हूँ सीसी क्रीम ताकि ज्यादा हैवी लुक मुझे नहीं चाहिए. और एक और फायदा है क्रीम को यूज करने का कि आपको ब्लेंडर या ब्रशेस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यस, ट्राई टू यूज बीबी सीसी क्रीम, ये भी आपको बहुत अच्छे से लाइक सेम ही इफेक्ट दे. अब आते हैं कंसीलर पे. कंसीलर भी अगर आपको नहीं अप्लाई करना हो सो डेफिनेटली यू कैन स्किप इट. बट अगर आपका थोड़ा सा लाइक पिगमेंटेशन है फेस पे या फिर यू नो अंडर आई एरिया में ब्लैक डार्क सर्कल्स है सो डेफिनेटली यू कैन यूज इट. और या तो आप कोई भी फाउंडेशन को भी यूज कर सकते हो टू कंसील योर अंडर आई एरिया. अभी फाउंडेशन को आपको इस तरीके से लगाना है, एक तो इनर कॉर्नर पे एंड सेकेंड चीज यहाँ इस तरीके से. इससे क्या होगा, हमें बहुत अच्छा ऐसा लिफ्टेड वाला लुक मिलेगा, फेस जैसे लिफ्ट होता है ना उस तरीके का. एंड थोड़ा सा मैं अपने नोज पे अप्लाई करूंगी एंड ये लाइन हमेशा मेरी टेढ़ी हो जाती है. सो थोड़ा सा हाई पॉइंट्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ टू हाईलाइट माई फेस. एंड जहाँ पे भी मुझे पिंपल्स वगैरह का इशू है या फिर यू नो थोड़ा सा पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पे भी मैं अप्लाई करूंगी. एंड अब इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लेंडर. आप कंसीलर अप्लाई कर रहे हो तो आपको पाउडर यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो कंसीलर है वो ब्रेक हो जाता है. तो अराउंड द आईज एंड जहाँ पे लाइक हमारा अराउंड द माउथ एरिया है वहाँ पे हम थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करेंगे. एंड अगर आपने सेटिंग पाउडर यूज किया है ना तो हो सकता है आपका फेस थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट लगे, तो ब्रश की हेल्प से बस लाइक जो एक्सेस अमाउंट होता है, एक्सेस पाउडर जो होता है उसको आप डस्ट ऑफ कर दीजिए एंड बाकी का जो बचा हुआ पाउडर है उसको आप पूरे फेस पे अप्लाई कर दीजिए तो आपका बेस भी सेट हो जाएगा. तो अभी हमें कॉन्टोरिंग करनी है. कॉन्टोरिंग अगेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट अभी क्या हुआ है, हमने पाउडर अप्लाई किया है ना तो हो सकता है हमारा फेस पूरा फ्लैट लगे. सो थोड़ा सा फेस हमारा यू नो उभर के आए इसलिए, मतलब थोड़ा सा लाइक परफेक्टली शेप्ड लगे इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टोरिंग करेंगे. अभी नोज कॉन्टोरिंग से ना बहुत अच्छा आपका लुक आ जाता है, यानी उसे एकदम से ऐसे शेप्ड नोज लगने लगती है. सो यह नोज कॉन्टोरिंग जरूर ट्राई कीजिए एंड थोड़ा सा कॉन्टोर हम लगाएंगे ऑन द फोरहेड. अगेन एज आई सेड, हमारा फेस ज़्यादा फ्लैट नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमने पाउडर अप्लाई किया है, उस वजह से हमें कॉन्टोरिंग जरूर करनी चाहिए. अभी ब्लश में आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप पिंक ब्लश अप्लाई कर सकते हो या तो थोड़ा सा पीछे या फिर ऑरेंज टोन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पिंक से है ना कभी कभी होता है कि लाइक ज़्यादा ऐसे ब्लश अप्लाई कर लिया वो दिख के आता है. ऑरेंज में आई थिंक थोड़ा सा नेचुरल लुक आता है. एंड एज मैंने लाइट कलर की ड्रेस पहनी है, थोड़ा सा पिंक शेड में ही है इसलिए मैं लाइट पीच कलर का कुछ इस तरीके का, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है हाँ, सो इस कलर का मैं यूज कर रही हूँ. ब्लश अप्लाई करते टाइम आपको क्या करना है, यहाँ से सेंटर से लेके इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है. इससे क्या होगा, अगेन आपका फेस ऐसे लिफ्ट हुआ है वैसे लगेगा. कैन यू सी द डिफरेंस? आई एम नॉट श्योर मैं जो कहना चाहती हूँ वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, बट आई गेस यू कैन सी इट हियर राइट.
एंड ये जो ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ इसी में थोड़ा सा लाइक हाइलाइटर का इफेक्ट भी है, सो आई डोंट थिंक मुझे अलग से हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत है, बट डेफिनेटली यू गाइज शुड अप्लाई हाइलाइटर अगर आपको यू नो ग्लो ग्लो सा लाइक लुक पसंद है, डेफिनेटली यू शुड अप्लाई हाइलाइटर। सो ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे, सिर्फ जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको मैं भर रही हूँ ताकि लाइक एक अच्छा सा शेप आ जाए। बाकी तो अगर आपकी नेचुरली आईब्रोज अच्छी हैं तो आई डोंट थिंक आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी है, यू कैन जस्ट कीप इट एज इट इज। सो फर्स्ट वाले लुक में हम आई मेकअप कुछ भी नहीं करने वाले हैं, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी आई शेडो। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ना कोई भी लाइट पिंक या फिर न्यूड कलर का लिपस्टिक लेके यू कैन अप्लाई इट ऑन योर लिड्स एंड यू आर गुड टू गो। अभी हम सीधे अप्लाई करेंगे मस्कारा, एंड मस्कारा इज यू नो रियली अ गेम चेंजर, आपको अभी पता चलेगा। मस्कारा अप्लाई करते ही आपकी आईज एकदम ऐसे लिफ्टेड लगेगी, जस्ट सी इट, कैन यू सी द डिफरेंस। सो मस्कारा प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत कीजिए, दिस इज़ अ मस्ट हैव, आपकी आँखें बहुत ज़्यादा अच्छी प्यारी दिखेगी इससे, एंड डेफिनेटली योर लव्ड वन विल बी मोर इम्प्रेस्ड बाई यू। एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लिपस्टिक, ये वैसे दिख तो ट्रांसपेरेंट रही है बट ये बहुत ही लाइट नेचुरल पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे मैं इसको लिप्स पे अप्लाई करूंगी, एंड आई रियली रियली लव दिस। इसके अंदर ये ऐसा प्यारा सा फ्लावर बना हुआ है, मैंने इसी वजह से एक्चुअली इसको बाय किया था बट मैंने कभी इसको अप्लाई नहीं किया सच। ओके एंड जस्ट लुक एट इट कैसे कलर्स का चेंज हो रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ग्लॉस, यू नो जो ऐसे पिंकिश ग्लॉसी कलर के लिप्स वैसे आपको मिलेंगे, एंड यस दिस इज इट अबाउट आवर फर्स्ट लुक। काफ़ी ज़्यादा ईजी टू क्रिएट है, नेचुरल भी लगेगा ज़्यादा, यू नो बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है। सो इफ़ यू आर समवन हु डजंट लाइक वेरी डार्क मेकअप, दिस इज द लुक विच यू कैन क्रिएट जो आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल नाइस ग्लॉसी लुक देगा, एंड ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है, बहुत ईजिली जस्ट इन 10 to 15 minutes यू कैन क्रिएट इट, एंड डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप ऑन योर वैलेंटाइंस डे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड लुक। अभी सेकेंड लुक उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा मेकअप करना पसंद है बट स्टिल उनको भी जल्दी से जल्दी कोई लुक अचीव करना है, सो देन यू कैन गो फॉर दिस वन। सो इसमें हम सिर्फ हमारा आई मेकअप जो है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो अभी अगेन आई एम यूजिंग द सेम पैलेट, एंड ये जो कलर है ट्रांजिशन वो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑन माई लिड पार्ट। ठीक है, अभी अगर आप ऐसे कोई हो यू नो जिनको ज़्यादा मेकअप नहीं आता है आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें क्या करना है, एक ही कलर को लेके जस्ट लुक एट दिस, ऐसे आपको ना पूरा अपने क्या बोलते हैं इसको आँख पे लाइक जो भी टॉप पार्ट है क्रीज से लेके यहाँ लिड पार्ट तक आपको एक ही कलर अप्लाई करना है। ओके देयर इज नो रॉकेट साइंस, अगर आपके पास ब्रश नहीं है आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी ये अप्लाई कर सकती हैं। अच्छे से एक ही कलर को ऐसे अप्लाई करना है पूरा। ओके नाउ सेकेंड चीज़, हमें इसमें थोड़ा सा और कलर ऐड करना है। ये कलर भी वैसे अच्छा लग रहा है बट अगर आपको थोड़ा सा और डीप एंड डार्क कलर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐसा ऑरेंज कलर का शेड लेना है आपको और इसको भी सेम तरीके से अप्लाई करना है ऑन योर होल लाइक आई। इतना ही आप इस लुक को रख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है बट इस पर अगर आपको थोड़ा सा यू नो ग्लॉसी शिमरी आइज करने हैं तो ये वाला जो कलर है थोड़ा सा शिमर वो आप लेके आपको सिर्फ उसको ऐसे लिड पार्ट पे अप्लाई करना है एंड दूसरी फिंगर की हेल्प से आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। एंड येस कैन यू सी हाउ नाइस एंड प्रिटी इट इज़ लुकिंग। सो येस बहुत अच्छा सा ये भी ग्लोइंग सा लुक आपको मिलेगा इससे। एंड येस आईज आर डन, आई शेडो इज डन। एंड अभी इसी पे आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको आईलाइनर पसंद है तो आप आईलाइनर ऐड कर सकते हो, अगर आपको काजल पसंद है तो आप काजल ऐड कर सकते हो। आई विल अप्लाई अ काजल। ओके येस आई एम अ काजल पर्सन। So yes, I have applied the kajal and this is how my face is looking now. So this was our second look and अब इस look के साथ I guess थोड़ा सा हम lips change कर देते हैं क्योंकि पूरा you know orange nude tone में हमारा look जा रहा है eye makeup भी, तो मैं इसी shade का जो lip lipstick है वो use करूँगी। This is from my glam and this is my most favorite shade। अभी मैं इसी को बहुत ज़्यादा use कर रही हूँ।
So yes, this is our second look and we are done with the both the looks. So I really really hope कि आपको आज के दोनों looks भी अच्छे लगे होंगे. So I really really wish you all a very very happy Valentine's Day and I really hope कि आप अपने अपने partners के साथ बहुत अच्छे से ये दिन celebrate करें and you guys can really really rock with these two looks. So yeah, please do try it out. अगर आप ये look try कर रहे हो तो definitely मुझे Instagram पे tag कीजिए in your story. एंड अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है एंड अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए. सो यस, आई विल एंड माय वीडियो हियर नाउ. आई विल सी यू सून विद समथिंग न्यू. प्लीज़ स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.